हाय गाइस, दिस इज माल्टा एंड राइट नाउ वी आर एट द सेंट जूलियंस विच इज़ अ सिटी इन माल्टा। तो यहाँ पर आई मेट सम ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो माल्टा आ रहे हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर मैंने अपनी खोजबीन शुरू की, बच्चों से यहाँ से बात की, रिसर्च की और पता लगाए ऐसे 10 रीजन जिससे कि आपका भी मन करने लग जाएगा कि माल्टा आकर पढ़ा जाए। वेल, माल्टा जिसको नहीं पता है, मैप पर देखेंगे तो आपको काफ़ी जूम करके देखना पड़ेगा। माल्टा एक यूरोपियन और शेंजन देश है, इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पर और यहाँ का वेदर आया है। अभी अगर आप यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करोगे तो सब जगह पर बर्फ हो रही होगी या काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, बट यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो इट इज़ अ परफेक्ट कंट्री फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी या एशियन स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 रीजन। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज यू कैन स्टडी इन माल्टा विदाउट आइल्स। यस, इट्स ट्रू, मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर। आपको आइल्स विच इज एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो नहीं देना है और आप यहाँ पर आ सकते हो। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर यू आर एक्सेप्टेड विद लो ग्रेड एज वेल। आज मैं बच्चों से मिला, यहाँ पर जो है उनके बच्चे के परसेंट थे 55%, 47%, एक के तो 51 थे, 51% लास्ट मैंने देखा है कि 51 लास्ट परसेंट पे भी यहाँ पर एडमिशन आया हुआ है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि लो ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन कॉलेजेस। थर्ड रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल इंटेक्स है। कुछ कंट्रीज में आपको जैसे सिर्फ और सिर्फ सेप्टेम्बर इंटेक मिलता है या फरवरी इंटेक मिलता है, बट यहाँ पर आपको जनवरी इंटेक भी मिलने वाला है। जनवरी के बाद आपको अप्रैल इंटेक मिल जाएगा, अप्रैल के बाद आपको जून जुलाई इंटेक मिल जाएगा, एंड देन उसके बाद अगेन अ सेप्टेम्बर इंटेक। सो यू विल गेट मल्टीपल इंटेक्स थ्रू आउट द ईयर, विच इज एन एडेड एडवांटेज। फोर्थ रीजन है दोस्तों, माल्टा इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं फेस करना पड़ेगा। जब लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, एंड फिफ्थ उससे ही मेरा रिलेट होता है, फिफ्थ पॉइंट विच इज एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर माल्टा का आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखोगे तो विच इज 4% एंड लोवेस्ट इन यूरोप। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी वन गेट्स द जॉब, एंड एक्साइटिंग बात यह है कि यहाँ पर जो एवरेज सैलरी होती है वो 1200 से लेकर 1500 यूरोस पर मंथ होती है, जिसमें आप इजिली 50-60 हज़ार रुपये सेव कर सकते हो अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो। पार्ट टाइम जॉब में 20 आवर्स पर वीक आप कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ का जो है सबसे बेस्ट बात, वीज़ा रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 90-95% वीज़ा चांसेस है कि आपके लग जाते हैं, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका होने वाला है एम्बेसी में। एंड वीज़ा प्रोसेस टाइम की भी बात करें तो इट इज़ जस्ट ऑफ 1 month। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ट्यूशन फीस रेंजेस फ्रॉम 6000 यूरोस टू 8000 यूरोस जनरली इन प्राइवेट कॉलेजेस, विच इज़ अराउंड इंडियन रुपीज़ में कहे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास मिनिमम लेवल पर आपकी फीस होने वाली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज सम कॉलेजेस विल अलाउ यू टू पे योर ट्यूशन फीस आफ्टर वीज़ा। सो उनको जानने के लिए, जो कॉलेजेस आपके ट्यूशन फीस नहीं लेंगे पहले फॉर वीज़ा, उसके लिए आपको इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर 6 months का टाइम मिलता है जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं, एंड इट्स रियली ईजी टू फाइंड जॉब्स इन दिस 6 months टाइम, और आप फिर स्टूडेंट से जो है वर्क परमिट में आप यहाँ पर कन्वर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गैप का भी इशू नहीं होने वाला, अगर आप बैचलर्स करने आने वाले हो तो 3-4 years का गैप आसानी से एक्सेप्टेबल है, और अगर आप मास्टर्स करने वाले हो तो अप टू 10 years तक का गैप भी एक्सेप्टेबल है। एंड आपकी जो क्लासेस होने वाली यहाँ पर, वो क्लासेस भी आपकी सिर्फ 2 days पर वीक होने वाली है, रेस्ट ऑफ द डेज में आप जो है आराम से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिससे आपका एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री में हो सकता है, वो ये है कि यहाँ पर एक रिइंबर्समेंट स्कीम होती है जिसको क्वालिफाइड स्कीम कहा जाता है। इस क्वालिफाइड स्कीम में क्या होता है, आपका जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप वर्क करते हैं तो टैक्सेस पे करने के बाद आप इस फीस को रिइंबर्समेंट में डाल सकते हैं, तो अप टू 70% आपकी ट्यूशन फीस आपको रिइंबर्स हो जाती है। सो दीज वर द सम रीजंस बेनिफिट जिससे मुझे लगा कि आपको माल्टा के बारे में बताना चाहिए, और इससे मेरा भी मन करता है कि माल्टा आना चाहिए क्योंकि कम कॉस्टिंग में यहाँ पर आ सकते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। और अगर आप हेल्प चाहते हो कि यार माल्टा में पढ़ने के लिए हमें कोई एजेंसी मिल जाए जो ट्रस्टेड हो, तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन नंबर से कॉन्टैक्ट करने से ये होगा कि यहाँ पर जो कॉलेजेस ये उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होने वाली है और वीज़ा लगने में भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी बिफोर वीज़ा, तो एक एडॉड एडवांटेज मिलेगा अगर इन नंबर्स के कॉन्टैक्ट के थ्रू आप जो है एडमिशन लेते हैं माल्टा में। तो या दैट इज़ इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।